रीवा शहर के सिटी कोतवाली पुलिस ने चोर गिरोह का पर्दाफाश करने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए चोर मंडली के पास से बाइक, बुलेरो, जेवरात सहित अन्य सामान बरामद किया गया है। पकड़े गए आरोपियों से फिलहाल अब पूछताछ की जा रही है। इस पूरे खुलासे को लेकर सिटी कोतवाली थाना प्रभारी जयप्रकाश पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह के निर्देश पर सीएसपी नवीन तिवारी के मार्गदर्शन में सिटी कोतवाली, अमहिया थाना और साइबर सेल की अलग अलग टीम बनाई गई थी, जिनके द्वारा लगातार हो रही चोरियों में नकेल कसने के लिए गिरोह का पता लगाया जा रहा था। इसी दौरान एक चोर गिरोह पुलिस के हाथ लगा है, जिससे पूछताछ के दौरान सामान अमहिया और सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र की चोरियां का खुलासा हुआ है। पकड़े गए आरोपियों में बिछिया मोहल्ला निवासी सनी सौदागर, घोघर मोहल्ला निवासी अकील उर्फ शकील रघुनाथपुर निवासी, रोहन सिंह छत्रपति नगर निवासी, अंकित चौधरी और बोदाबाग निवासी सुजीत गुप्ता शामिल हैं, जिनकी निशानदेही पर सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के तरहटी और घोघर मोहल्ले में की गई चोरियां सहित बोलेरो चोरी की वारदात को कबूला है। जबकि अमहिया थाना क्षेत्र के पीके स्कूल से मकान में चोरी और बाइक चोरी की वारदात को कबूला है। साथ ही समान थाना क्षेत्र से बाइक चोरी की गई थी। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक कट्टा और कारतूस सहित चार बाइक, बोलेरो और सोने चांदी के जेवरात बरामद किए हैं। हम आपको बता दें, सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा पकड़ा गया शातिर बदमाश अकील उर्फ शकील सीधी जिले से 10,000 का इनामी भी है, जिसकी तलाश सीधी पुलिस सरगर्मी से कर रही है। चोरी का खुलासा किया गया क्या पूरे मामले में, कितने अपराध थे, कितने मोटरसाइकिल वाहन काम से पकड़ा जी? श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय एवं सीएसपी सर नवीन तिवारी सर के मार्गदर्शन में जो चोरियाँ लगातार हो रही थी, उसके खुलासे के लिए टीम गठित किया गया था, जिसमें साइबर सेल और थाने की महिला थाना, वाली थाना, सभी लोग सही रूप से टीम गठित किया गया था, जिनके द्वारा हमारे चार पाँच सौ चोरियों का खुलासा किया गया है। इसमें थाना कोतवाली में एक बुलेरो चोरी हुई थी फरवरी महीने में, तो उसमें एक बुलेरो चोरी हुआ था, जिसमें बुलेरो को अपन ने बरामद किया है। इसी तरह से घोघर में एक चोरी हुआ था, एक तरहटी में हाल ही में चोरी हुआ था वहाँ पे, और अमहिया थाना अंतर्गत एक चोरी पीके स्कूल के पास हुआ था, उसमें कुछ गैस और नकदी और ज्वेलरी भी चोरी हुआ था, वो उसका भी बरामद किया गया है। एक मोटरसाइकिल यहाँ पे अपना अमहिया क्षेत्र में चोरी हुआ था, और एक समान थाना क्षेत्र में एक मोटरसाइकिल चोरी, मतलब चार बाइकें और एक बुलेरो। इसके अलावा घटना में उपयोग किए जाने वाले ताला तोड़ने के लिए जो सब्बल वगैरह होते हैं, वो भी इन आरोपियों के पास से मिले हैं। और हाँ, एक आरोपी जो है शमीर सौदागर, उसके पास से एक देसी कट्टा और एक कारतूस भी बरामद हुआ है। तो क्या, कैसे सोच, कैसे पुलिस इनके तक पहुंची, कैसे ये हम लगातार उसमें प्रयास कर रहे थे, क्योंकि बुलेरो चोरी हुआ था, बड़ा चोरी था, तो उसमें हम लगातार मुख्य के माध्यम से उनकी सूचनाएं एकत्र कर रहे थे, और जब हमको सूचना मिली, विश्वसनीय सूचना मिली, तो हमने संदेहियों को पकड़ कर पूछताछ किया, जिसमें हमने घटना बताया और घटना में कौन से लोग शामिल थे ये भी बताया, तो सभी लोगों को हमने पकड़ा और उनसे पूछताछ कर उसको बरामद किया। वाहन ये कहाँ पे रखते थे सर? ये वाहन तो ये लावारिस हाथ में इधर
के नाम से सामान क्षेत्र में एक जगह ब्रिज के नीचे रखे हुए थे। ये बेचने की फिराक में थे कि किसी को बेचने बेचने लेकिन बेचने के पहले ही अपने पकड़ लिया। क्या नाम है आरोपी? आरोपी है जैसे एक अकील उर्फ शकील है, ये पुराना अपराधी है। इसके बहुत सारे 15 से ज्यादा चोरी के मामले हैं। एक समीर सौदागर है, एक रोहन है, एक अंकित चौधरी है और एक सुधीर गुप्ता है, ऐसे करके। ग्रुप में बना के लोग हाँ, ये किसी किसी चोरी में 3 लोग रहते तो किसी में 4 तो किसी में 2, इस टाइप के लोग लगभग एक ग्रुप में बना करके चोरी करते हैं। सभी की गिरफ्तारियां हो लगभग सभी की गिरफ्तारियां हो गई है, एक आध आरोपी गई। कितने कदम मशरू लगभग का इससे बरामद हुआ है? कोई 10 लाख के समथिंग। जे जो 4 मोटरसाइकिल हैं और एक बुलेरो है, और इसके अलावा जो है कुछ सोने चांदी के आभूषण वगैरह हैं और कुछ गृहस्थी के सामान।